नमस्कार, आप देख रहे हैं Lallantop.com और Lallantop की चुनाव यात्रा लेकर टीम हीरा फिलहाल बालाघाट के काली पुतली चौक, कहते हैं इस जगह को, काली पुतली चौक पे हैं और हमने यहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा किया है ताकि उनसे जान सकें कि जब पोल्स होंगे, जब वोटिंग होगी, तब जो कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हैं वो उन्हें किन मुद्दों पे ग्रिल करेंगे, वोट देंगे तो किन मुद्दों पे देंगे और उनकी क्या शिकवे शिकायतें हैं जिन्होंने 5 साल यहाँ पे रहकर काम किया है उनसे। सर अपना नाम? देवेंद्र सिंह चंदेल। सर आप करते क्या हैं? मेरा माइनिंग और होटल का बिजनेस है। माइनिंग और होटल का बिजनेस है। माइनिंग बालाघाट में बहुत बड़ा एक बिजनेस है, यहाँ पे कॉपर है, मैंगनीज है, डोलोमाइट है, अलग अलग तो छोटी छोटी बहुत सारी खदानें हैं इस पूरे बेल्ट में, तो आप माइनिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। सर आप? मैं भानु प्रताप सिंह चौधरी। अच्छा। वैसे मैं भूजल विशेषज्ञ भी हूँ और माइनिंग का सलाहकार भी हूँ मैं। अच्छा, तो आप लोग साथ काम करते हैं? नहीं, सबका मुझे मेरा अपना अलग बिजनेस। अच्छा, है सर का अलग बिजनेस है। ठीक है, बाय चांस हम लोग यहाँ मिल गए तो बातचीत हो रही थी हमारी आपस में, बाय चांस हम भी इन्हें मिल गए। तो अभी आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो पिछला 5 साल का टेन्योर रहा है गौरीशंकर बिसेन का, वो यहाँ के विधायक भी हैं और वो कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, उनके काम को कैसे आंकते हैं आप? चूंकि मैं एक भूजल विशेषज्ञ हूँ और मैं देखता हूँ कि जो गौरीशंकर बिसेन जी ने अपने समय में जो काम किया और ख़ासकर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो लालवाड़ा विकासखंड पड़ता है उसमें जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट को पे जो उन्होंने अपना जिसका श्रेय उन्हें जाता है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कहने को तो 101 गांव के लिए पेयजल योजना बनाई उन्होंने, पर वो लगभग उस विकासखंड में आने वाले 350 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना है जो लगभग कम्प्लीट होने पर है। और दूसरे उन्होंने जो मंडी के क्षेत्र में, चूँकि वो कृषि मंत्री हैं, तो उन्होंने मंडी फंड से, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जितने लगभग 313 जो ब्लॉक हैं उस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा यदि फंड का उपयोग यदि हुआ है उन्होंने अपनी विधानसभा के विकास के लिए ही किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। ये दावा है या फैक्ट है ये पता करने के लिए हमारे पास में एक भाई साहब और हैं जो बालाघाट नगर पालिका में पार्षद हैं। सर अपना परिचय? मैं शफकत खान। शफकत खान जी हैं, आप कांग्रेस से हैं और बालाघाट नगर पालिका में, कहाँ से पार्षद हैं सर आप? वार्ड नंबर 9 से। अच्छा, आप भी लोकल हैं, ये भी लोकल हैं? लोकल हैं, हमारे बड़े भाई भानु चौधरी जी। अच्छा, जो बता रहे थे सही बता रहे थे? अब भानु भैया खुद इलेक्शन लड़े हैं विधानसभा का। अच्छा। और अगर वो भी विपक्षी पार्टी की तो वो तारीफ कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ये बहनोई भी लगते हैं। अच्छा। इनके बच्चे हैं 2। मैं भानु भैया से पूछूंगा कि ये बताइए अपने। एक मिनट सर, मैं ना टोक नहीं रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, भानु भैया को मत टोकिएगा। सवाल मेरा ये था कि हाँ आप अपनी बात कहिएगा और जैसे वो जो आंकड़े गिना रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं, ठीक है, उनको गलत मत नहीं साबित करना है। गौरीशंकर बिसेन एज ए कैबिनेट मिनिस्टर और एज एन एमएलए, एक विधायक के तौर पे, एक मंत्री के तौर पे उनका काम कैसा रहा है, ठीक है, उसके आंकड़े। मैं नगर पालिका में हूँ, नगरीय क्षेत्र में हूँ। गौरीशंकर बिसेन जी यहाँ से 40 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिला उनके हाथ में रहा, विधानसभा उनके हाथ में रहा, उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, यानी पूरे ज़िले के बॉस हैं। अब बॉस होने के नाते बड़ा अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि आप जहां खड़े हैं यहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। छोटी सी बात है, 40 साल का एक अरसा बहुत होता है देश के प्रधानमंत्री। पार्किंग तो वैसे मतलब नगर पालिका देखती है ना इसका। मैं आपसे वही बता रहा हूँ, नगर पालिका भी उन्हीं की है, 10 साल से नगर पालिका भी उन्हीं की है। मेरा कहने का जो अर्थ है, आज शहर के बाजू से वैनगंगा नदी बह रही है, बालाघाट का आदमी पानी के लिए परेशान है, यहाँ नौजवान बच्चे छात्र छात्राएं हैं एजुकेशन के लिए परेशान हैं, कॉलेज अच्छे नहीं हैं, यहाँ खिलाड़ी बहुत सारे हैं खेल मैदान के लिए परेशान हैं, बालाघाट शहर में यातायात इस कदर है हम बाईपास के लिए परेशान हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें आपको सर्वे के दौरान लगती है तो मैं भी इनके साथ और आपके साथ उनकी भी जय जयकार करूंगा, अगर ये सब काम उनने किए हैं और दिख रहा होगा तो उसमें कोई दो मत नहीं है। सर आप पेयजल वाले काम का कह रहे थे, ये कह रहे थे बालाघाट में पानी की प्रॉब्लम, और कोई लोकल है यहाँ बालाघाट जो रहते हो? सर आप बालाघाट में रहते हैं? बालाघाट के बाहर। पर विधानसभा यही लगती है? हाँ, विधानसभा। अच्छा, तो इधर थोड़ा सा करीब आ जाइए मेरे को, बड़ा यहाँ बीच में गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। पानी की समस्या है नहीं है बालाघाट में, क्योंकि जो बाहर का है यहाँ से उस आदमी को क्या बताएं? पानी की समस्या तो है यहाँ, पानी की समस्या है। हाँ, ठीक है, और क्या समस्या है? और समस्या ये है कि बालाघाट से लेकर दिल्ली तक सरकार है, कोई भी ऐसा यहाँ पर उद्योग या कोई ऐसा बड़ा काम मंत्री महोदय ने नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया
जो काम करना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलना था वो नहीं खुली, सिवनी चले गई। इसकी घोषणा हुई थी मेडिकल कॉलेज की? हाँ हुई थी ना, मेडिकल की बात बता रहे हैं ये, मेडिकल कॉलेज गन्ना मिल के हुई थी और पिछले चुनाव में ये बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी और शक्कर कारखाने की भी घोषणा हुई थी, वो भी नहीं लग पाई। गन्ना होता है यहाँ बालाघाट में आसपास? होना है तो बोनकट्टा महके पार तो पूरा गन्ना का ही क्षेत्र है। अच्छा, इधर भी तुम्हारा गन्ना का ही क्षेत्र है, ये तुम्हारा मर्री दिघोदा। अच्छा, तो ये मतलब जो आपके विधायक महोदय हैं उन्होंने गन्ने बेल्ट, तो यहाँ का जो गन्ना होता है वो जाता कहाँ है फिर पिराई के लिए? वो बाहर जाता है, किसान मजबूर होकर बेचते हैं सस्ते दाम पे, क्या करोगे भाई, नहीं फैक्ट्री तो। अच्छा, तो ये दूसरी शिकायत हम लोग सुन रहे हैं। इससे पहले हमें ये बताया गया था कि बालाघाट का जो कॉपर है, कॉपर के लिए भी स्मेल्टिंग प्लांट बालाघाट में नहीं है, वो स्मेल्टिंग के लिए वो राजस्थान जाता है। अब ये दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे गन्ना होता है लेकिन गन्ने की पिराई के लिए प्लांट नहीं है, गन्ना भी बाहर जाता है। हमारे पास और भी लोग थे जो बिल्कुल अभी घोड़े पे बैठ गए, बस निकलेंगे तो उनको पकड़ लेते हैं। सर आपका नाम? तपेश असाठी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं चीफ एडवाइज़र LIC। और आप भी बालाघाट के ही बाशिंदे हैं? हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे, जो विधायक हैं गौरीशंकर बिसेन, उनके काम को आप कैसे आंकते हैं? नहीं, काम तो ठीक है। अच्छा, जनरल जैसा होना चाहिए, बढ़िया, लेकिन जितनी उम्मीदें थी अभी थोड़ा कम है, और उम्मीद है कि एक मौका और देंगे तो बहुत अच्छा काम बन जाएगा। अच्छा, ये मतलब आपका ऐसा मानना है कि वो दोबारा इलेक्शन उन्हें जीतना चाहिए क्योंकि उनका काम करने का तरीका ठीक रहा है? और भी लोग हैं आप? हाँ, अच्छा भाई साहब, आप लोग बालाघाट के ही रहने वाले हैं, पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? मैं पॉलिटेक्निक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस है, और अभी मैं जॉब ही कर रहा हूँ यहाँ पे, रेस्टोरेंट पे जॉब। क्या करते हैं आप? रेस्टोरेंट पे जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये जाननी है कि आप पॉलिटेक्निक ही तक की आपने पढ़ाई की है और बालाघाट से ही हैं? और अच्छा, लेकिन अभी रहना बालाघाट में? ठीक है। अच्छा, तो आपने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की है, तो आपने उस पढ़ाई से संबंधित कोई काम क्यों नहीं किया? आपको रेस्टोरेंट में क्यों काम करना पड़ रहा है? सर रेस्टोरेंट में काम इसलिए करना पड़ रहा है, सर आप बालाघाट मतलब एक सर रोजगार के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है कि मतलब कुछ कह ही नहीं जा सकता सर इसके बारे में। अब जैसे कि आपने पूछा कि जैसे गौरीशंकर बिसेन जी हमारे मंत्री जी हैं इतने सालों से कैबिनेट मंत्री, सर उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में सर कुछ भी नहीं किया। आज का हर तीसरा बंदा सर बेरोजगार घूमता हुआ दिखेगा आपको, और ऐसे ही छोटा मोटा काम करता हुआ दिखा, किसी किराना शॉप में, किसी मोबाइल शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में, या फिर ऐसी जगह पर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब ग्रेजुएट बंदा, पढ़ा लिखा बंदा मतलब बेरोजगार घूम रहा है, मतलब ये एक मंत्री के रहते हुए और वो भी बालाघाट डोगल का मंत्री के रहते हुए ये बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आपके इस इलाके में जो आप चाहते हैं कि गौरीशंकर बिसेन अगर इस वीडियो को देखें तो वो सुने? बहुत सी चीज़ें, जैसे आए दिन सर मतलब दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते रहती हैं, तो बाईपास की सुविधा नहीं है। आप अभी यहाँ से निकल जाइए, ये भटिया रोड आप निकल जाएंगे सर, आपको अभी की स्थिति में इतना ट्रैफिक मिलेगा कम से कम आपको उस जगह से निकलने के लिए 20 मिनट तो मिनिमम लगेगा ही सर। 20 मिनट तो मिनिमम लगेगा। अभी आप देख लीजिए सर, यहाँ पर ये इतना बड़ा चौराहा है, आगे यहाँ पर आपको एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा सर। ये सिग्नल देखिए आप कब से बंद पड़ा हुआ है, ये सिग्नल बंद पड़ा हुआ है, ये पूरी व्यवस्था है जो सर पूरी चरमरा गई है। अच्छा, ये है। तो आप क्या चाहते हैं अब आपके पास कोई वोट मांगने आएगा तो आप उससे क्या चाहते हैं? सर मेरा वोट तो इस बार जाएगा सर नोटा को। अच्छा, क्योंकि मैं खुद एक एज अ सर मेरी फैमिली जो है पिछले 25 सालों से सर बीजेपी से जुड़ी हुई है, और मैं खुद सर मतलब बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा वोट उसी को देता हूँ, और मैं मोदी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, लेकिन अभी की स्थिति में सर ऐसा हो चुका है कि सर मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रत्याशी को वोट दें, क्योंकि हर प्रत्याशी आता है सर ये बोल के जाता है कि वोट मांगने के लिए आएगा, हाथ जोड़ेगा सर कि ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, जैसे सर चुनाव खत्म होता है वो सब भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किए थे और क्या नहीं किए थे, फिर 5 साल बाद वही सिचुएशन आती है, फिर वही वोट मांगने आएंगे, फिर वही वादे करते हैं। इसलिए आप इस बार नोटा देने वाले हैं? और भी कोई है यहाँ पे जिसको ऐसा लगता है कि कोई प्रत्याशी काम का नहीं है इसलिए नोटा देना चाहिए? हाँ सर, आप लोकल हैं, बालाघाट से ही रहते हैं? अच्छा, क्या करते हैं सर आप? बिजनेस करता हूँ। आप बिजनेस करते हैं। हमारे पास अभी एक भाई साहब खड़े थे, वो कह रहे थे कि वो इतने दुखी हैं जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं कि वो नोटा के लिए जाने वाले हैं। आप बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, लगातार हमने बिज़नेस को लेकर भी सुना है कि काफ़ी प्रेशर में रही आपकी पूरी कॉम, ठीक है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो लेकिन बिज़नेस है तो उसके लिए काम करना मुश्किल हुआ ऐसा कहा जाता है। आपका अनुभव कैसा रहा है? मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। जो धान का रेट कम से कम अभी तक 3,000 रुपये क्विंटल रहना था वो अभी 1,700 ही है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस ने भी इसका रेट नहीं बढ़ाई,
और अभी बीजेपी ने भी उल्टा 100 रुपये कम कर दी थी बोनस, तो मतलब रेट कम हो गया था ऐसा है, तो किसानों के लिए मेन चीज़ करना चाहिए ऐसा है। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है, ये खुद बिजनेस। सर आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? मतलब राइस मिल है, खेती से जुड़ा बिजनेस है मेरा। अच्छा, इनकी आपकी राइस मिल है, ठीक है। ये एक चीज़ और मुझको जाननी थी आपसे कि मैं अभी 2 दिन से बालाघाट में हूँ, मुझे ये बार बार बताया गया कि बालाघाट में धान का उत्पादन बहुत है, बहुत है, लेकिन यहाँ मिलिंग की फैसिलिटी कम है, और यहाँ से नोइंगली ऐसा कहा जाता है कि राइस मिल की जो धान है वो मिलिंग के लिए गोंदिया भेजा जाता है। आप बिजनेस में क्या इस बात में कोई सत्यता है? वाली मिल है मेरे पास, जो कस्टमर मतलब लोग आते हैं, बाकी बड़ी मिल नहीं है मेरे पास। नहीं, आपके पास नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ये पूरा बेल्ट है, ठीक है, क्या वहाँ पे मतलब कोई समस्या है कि नई मिल्स आने नहीं दी जाती हैं? नहीं, मेन चीज़ क्या है कि बिजली की समस्या है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, जो रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, इसलिए मतलब राइस मिल वाले परेशान हैं ऐसा। और इसलिए यहाँ का चावल, जैसे कि जैसे यहाँ का कॉपर राजस्थान जाता है, यहाँ का गन्ना बाहर जाता है, वैसे यहाँ का धान भी गोंदिया जाता है। गोंदिया जाता है, हाँ ठीक है। तो ये एक आप और यहाँ के कृषि मंत्री हैं, यहाँ के जो विधायक हैं गौरीशंकर बिसेन, वो खुद कृषि मंत्री हैं, और ये उनके राज में जो कुछ हो रहा है ये वहीं के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बालाघाट में भी पॉलिटिकल चॉइस आपके पास में नहीं है? नहीं, चॉइस तो है। अभी गौरीशंकर बिसेन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे पिछले समय में केनाल के बारे में केनाल बनवा दिए पूरा 1 अरब रुपये की स्कीम थी वो, और काफ़ी ब्रिज भी बनवाए हैं, मतलब बहुत कुछ काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि गुंजाइश और है? और है, ज़्यादातर किसानों के लिए, मेरी खेती भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम किसानों का जो रेट है धान का रेट वो बढ़ाना चाहिए, कम से कम 3,000 रुपये कुंटल रहना चाहिए ऐसा, तो ठीक है। और जो संविदा कर्मी है जो मध्य प्रदेश में, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए, जैसे मनरेगा वाले हैं तुम्हारे 18 विभाग के कम से कम 2.5 लाख कर्मचारी अभी हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन उनकी कोई भी मांग नहीं मानी। अच्छा। भाजपा सरकार ने जैसे सिर्फ टीचरों को पर रेगुलर किया है उसने, बाकी किसी को नहीं किया है, तो उनको रेगुलर करना चाहिए, जो संविदा कल्चर ख़त्म करना चाहिए ऐसा है। अच्छा, हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि ये खुद जिस ग्रुप से आते हैं उसके अलावा भी उससे इतर भी बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक और याद दिखा, आप कहाँ रहते हो भाई? आप कहाँ रहने वाले हो? कहाँ के गर्रा? बालाघाट में ही आता है? बारह से तो बारह से नहीं, तो बालाघाट जिले में ही है ना? क्या इधर आ जाइए सर, गाड़ी खड़ी कर दीजिए। अच्छा, बारह सिवनी में करेंगे? कौन से? तो ये बिसेन जी का गांव है? वहीं की है। अच्छा, क्या नाम बताया गांव का? गर्रा एक गांव है बालाघाट में, जहां से गौरीशंकर बिसेन खुद आते हैं। क्यों आप भी क्यों मांगते हो? देखिए, काम ही नहीं है तो क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनके पास काम नहीं है। और कोई भाई साहब जो बालाघाट के लोकल है और जो अपनी बात कहना चाहते हैं, बोलना कर रहे हैं आप लोग? सर आप लोकल हैं? लोकल। अच्छा, आप भी पार्षद हैं? कौन सी पार्टी से हैं सर, ये बता दीजिए। कांग्रेस से हैं। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं, ठीक है। तो इनकी बात उस राइडर के साथ सुनी जाए कि ये कांग्रेस से हैं। क्या समस्या है आपके एरिया में? हमारे यहाँ समस्या यह है कि मंत्री जी हैं और जो तैराकी संघ है हमारे यहाँ के, जो सुराना जी उसके अध्यक्ष हैं, बार बार उन्होंने भी निवेदन किया स्विमिंग पूल बनाया जाए कम से कम, मंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज तक हमारे स्टेडियम ग्राउंड में स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं हो पाया। अच्छा। पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, नगर पालिका परिषद बालाघाट से हमने रजिस्ट्री करवा दी है खेल प्राधिकरण के नाम से कि एस्ट्रोटर्फ लगाएंगे, आज दिनांक तक के ना एस्ट्रोटर्फ लगा है ना कुछ हुआ है। जब मंत्री जी, हम उनसे भी कई बार हमने नगर पालिका के माध्यम से निवेदन किए कि जब नगर पालिका ने उस ग्राउंड जो नगर पालिका की थी उसको हमने रजिस्ट्री कर दी है खेल प्राधिकरण के नाम पर, तो अब तक 4 करोड़ क्यों नहीं आया एस्ट्रोटर्फ लगाने? और जबकि मतलब यहाँ पे जो नगर पालिका है उसमें भी भाजपा है जी, है ना, जो विधायक जी है उसमें भी भाजपा है, जिला पंचायत में भी भाजपा है, और स्टेट में भी तो भाजपा है ही, और सेंटर में भी भाजपा है, ठीक है। सर क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्री काम करता हूँ सर। अच्छा, मैं कहाँ दुकान है अपनी? मैं दुकान नहीं है सर मेरी, मैं रोजी रोटी कमाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, और पहले करता था, लेकिन अब क्या थोड़ा सा लाचार हो गया, मजबूर हो गया हूँ, पैर फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, ऑपरेशन हुआ। एक्सीडेंट कैसे हो गया? अभी सर मालूम है, प्लेट डली हुई मेरे पैर में। अच्छा जी, तो कहाँ आपने इलाज करवाया? इलाज निदान हॉस्पिटल, ऑपरेशन हुआ मेरा। निदान हॉस्पिटल कहाँ पे है? ये अपने गोंदिया रोड पे। अच्छा, प्राइवेट है सरकारी है?
सरकारी नहीं है सर, प्राइवेट है सर। अच्छा, क्यों सरकारी में क्यों नहीं गया आप? गया था सर, सरकारी भी गया था मैं। अच्छा, फिर क्यों वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, उनने भगवा दी सर, यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि मेरा। सच बताओ? सच ही बता रहा हूँ ना सर। अच्छा, वहाँ से भगा दी? या फिर प्रूफ बता दूंगा आपको। अच्छा, तो फिर पैसा आपने कहाँ से लगाया उसमें प्लेट लगाने? उससे मंगे मुंगे फिर उसका ऑपरेशन हुआ सर। तो ऐसे अपने लोग बीमार होते हैं तो आप किसी से मिलने जाते हैं, कोई जनप्रतिनिधि नेता वेता, आपने किसी से कांटेक्ट किया कि मेरे पास पैसा नहीं है सर? लेकिन उस समय में किसी ने ध्यान नहीं दिया ना सर। किन से कांटेक्ट किया था आपने? हमारे जो थे हमारे महोदय साहब। और नाम क्या है उनका? उनका क्या नाम लिखते हैं अपने, अरे बता रहा हूँ ना आपको, मैं वार्ड नंबर 3 में रहता सर। वो हमारे वो नहीं नाम बता रहा हूँ ना आपको, अपने ये क्या नाम यार, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ। क्या विधायक हैं? मैं तो अब क्या सर, पहले इसके साथ में जुड़ा हुआ था। किसके साथ में? ये कमल के साथ में। अच्छा, सुरजीत भैया से मैं अच्छे से है उनके साथ में संबंध। अच्छा, पर सुरजीत भैया ने भी मेरे को थोड़ा सा धोखा दे दिए थे। आऊँगा बेटा ऐसा वैसा दुनिया भर की लचानगिरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे 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 शब्द नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन आपको बोल रहे थे मदद नहीं मिली, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, फिर हम लोग गरीब है, हमारे पट्टे नहीं मिले, हमको झोपड़ी में हम लोग रहते हैं। कहाँ पे? ये वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 मैत्री कॉलोनी के नीचे में। अच्छा, तो सर, और पट्टा आपने किन से मांगा था? पट्टा सर के साथ में सबके इसके पास में गए थे, मंत्री जी के पास में। अच्छा, गौरीशंकर बिसेन के पास गए। उन्होंने क्या बोला था आपको? उन्हें ध्यान ही नहीं दी सर, कर लेंगे बोले, हो जाएगा बोले, बैठेंगे बोले। उस समय में अनिल भैया भी थे। अच्छा, कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे सर 25 से 30 लोग। अच्छा, 30 लोगों की, और सब झोपड़पट्टी में खाने वाले सर। अच्छा, झोपड़पट्टी है जी, और उसका पट्टा भी मिला नहीं है? नहीं मिला सर। तो उसके ऊपर में हमारे ऊपर में केस चल रहा है, केस लड़ रहे सर उसका। अच्छा, इधर ये पार्षद जी हैं, इनकी बस्ती के लिए पट्टे वगैरह मांगे थे आपने? आप तो लोगों की मतलब यहाँ उठा रहे हैं ना आवाज, आप कांग्रेस से हैं। आपको एक जानकारी मैं बता दूं कि बालाघाट शहर में जितने पट्टे बांटे गए दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, कांग्रेस की सरकार के रहते में पट्टे बटे हैं, उसके बाद इनको किसी ने भी पट्टे नहीं बांटा। तो क्या आप लोगों ने ये डिमांड उठाई है फोरम पे, सही फोरम पे? इनकी डिमांड बार बार उठती है, बार बार इन लोगों के आंदोलन होते हैं और हमारे द्वारा इनकी आवाज़ उठाई जाती है, मगर बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि आश्वासन और प्रचार में जो जिंदगी चल रही है सरकार की, वही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, अच्छा गुरु, एक और चीज़ बताओ आप, ठीक है, अभी ये संबल स्कीम आई थी उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब वो तो मजदूरों के लिए भी, बीपीएल वालों के लिए है, करवाया आपने? वो अपना वो बनाया था श्रमिक कार्ड। क्या? श्रमिक कार्ड। श्रमिक संबल वालों का श्रमिक कार्ड बन, वही श्रमिक कार्ड ही बनता है वो बना। लेकिन सर मेरा आया नहीं, लेकिन अभी तक क्या बन के। अच्छा, कब बनाया था आपने? मेरी वाइफ का आ गया लेकिन मेरा नहीं आया अभी तक के बन के। अच्छा ठीक है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक है, लेकिन कब दिया था आपने फॉर्म उसको? जिस समय चालू हुआ था उसी समय हमने दे दी थी जमा। महीना तारीख हफ्ता कुछ होगा ना दोस्त? अब सर उस समय तो साला कौन तारीख का ध्यान रखता है सर। ठीक है, 2-3 महीने का ये लोग बता रहे हैं, लेकिन इनका अभी कार्ड आया नहीं है। चलो ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। अच्छा, आप भी बालाघाट से ही हैं? अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं यहाँ कोचिंग करता हूँ। अच्छा, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी एक भाई साहब मेरे साथ खड़े थे जो बता रहे थे कि उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की लेकिन उनको रेस्टोरेंट में काम करने को मजबूर हैं, और आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। यहाँ पे क्या माहौल है, पढ़ाई का क्या स्टेटस है बालाघाट पे? स्टेटस वही है जो गवर्नमेंट भर्ती निकालेगी, उसके अलावा दूसरा तो है नहीं प्राइवेट के अलावा, क्योंकि यहाँ कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी हमारे इतनी मायने भरवेली है, मलाजखंड है, यहाँ पे किसी प्रकार का रोज़गार मिलता ही नहीं है। तो वही है, 2-3 साल कोचिंग करो, उसके बाद यहाँ से पलायन कर लो, क्योंकि यहाँ के नेताओं, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, इनका तो है नहीं 5,000 भर्ती निकाल ले, कम से कम 5 लाख फॉर्म आते हैं, तो कुछ नहीं मिलता यहाँ। प्राइवेट के रूप में ना नौकरी है ना उद्योग है, तो कहीं विकास हो सके और किसी को जॉब लग सके। और यहाँ चलता है परिवारवाद, अगर हमारे कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन है तो अपनी बेटी का सोचेंगे ना कि जनता का। अच्छा आप कोचिंग पढ़ाते हैं या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, आप पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं बी किया हूँ इलेक्ट्रिकल से। अच्छा, और अभी लोको पायलट का फर्स्ट स्टेज मेरा क्लियर हो गया है। अच्छा, सेकंड स्टेज की कर रहा हूँ पर, और मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कटंगी विधानसभा आता है, वहाँ पे भी विधायक KD देशमुख जी हमारे, तो
अगर हम इन तीनों विधानसभा की बात करें या पूरे बालाघाट जिले की, तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ के लोग यहाँ जॉब कर पाए, बस ट्रस्ट होके पलायन नहीं करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है, आपके भविष्य के लिए शुभ मतलब हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपके आगे आइंदा के फेज पूरे हों। तो अच्छा, आपके पास में मतलब आपके पास कुछ रिसोर्सेज होंगे, आप कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग कोचिंग भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ठीक है, जो आप कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं? पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट में करेंगे, फोटोकॉपी दुकान में करेंगे, इंटरनेट कैफे में करेंगे, उसके बाद अगर जिसको पढ़ने की ललक है तो कोचिंग कर पाएगा, नहीं तो वही हताशा निराशा हाथी लगती है और कुछ नहीं उसके अलावा। अच्छा, क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट के किसी स्कीम के बारे में बताया गया है या आप जानते हैं जो आपके जैसे युवाओं की मदद करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है, पर बैंक और जैसे जिला उद्योग केंद्र है तो केवल लॉलीपॉप देते हैं लोग, जाने की हो जाएगा पर होता किसी का नहीं है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 25 लाख का लोन बताती है पर मिला किसी को नहीं है, या तो मिलता क्यों नहीं है? सर घुमाया जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो बड़ा नहीं है, आपकी क्रेडिट डेबिट नहीं है, अभी नहीं हो सकता बाद में हो सकता बैंक, लेकिन उसमें तो क्रेडिट गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। हाँ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती, अगर कोई बैंक का मैनेजर ये बोल दे कि हम लोन देने को तैयार है तो हम ले, ऐसा कोई मैनेजर बोल दे या DIC बोले कि हम दिलवाने को तैयार है, या स्वयं मुख्यमंत्री जी आते हैं और बोल देते हैं कि मैं उनका गारंटर हूँ, मामा हूँ, मैं बोलते हैं वो, क्योंकि वो लगातार बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स में किसी लोन गारंटर की जरूरत नहीं होती है, अगर बिना गारंटर का कोई बैंक लोन दे तो हम बताएं, ऐसा बोल के देखिए कि हमारा गारंटर शिवराज सिंह चौहान है और दे दें, तो क्या बोलते हैं बैंक वाले? नहीं दे पाएंगे, बस हो जाएगा बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। अच्छा, ये भी एक सच है बालाघाट का, जहाँ से जहाँ के जो विधायक होते हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज सरकार में, कृषि मंत्रालय उनके पास में था और उनके काम का आकलन यहाँ की जनता ने अपने तय किया है, और जब पोल्स होंगे तब वो उसका हिसाब उन्हें भी देंगे, और जो बाकी कैंडिडेट्स खड़े हैं जो जिस तरह से वो अपना कैंपेन चलाएंगे, जिस तरह के मुद्दे वो उठाएंगे, उसका सिला उनको भी मिलेगा। मनोज के साथ बालाघाट से मैं हूँ निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।